सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने फास्टैग को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पेटीएम फास्टैग यूज़ करते हैं तो आप अपने पेटीएम फास्टैग को किसी अनदर पेटीएम यूज़र को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको उसका मोबाइल नंबर डालना है और आपको क्लिक कर देना है। आसान सा प्रोसेस है, कोई भी इसे कर सकता है। इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी पेटीएम ऐप ओपन करनी है और आपको यहाँ पे सर्च करना है फास्टैग का ऑप्शन। आप यहाँ पे सर्च कर लें, ऊपर सर्च आइकन में डाल के भी सर्च कर सकते हैं। नीचे आप यहाँ पे देखेंगे, नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मैनेज फास्टैग का, आपको यहाँ पे टैप करना है। टैप तो गाइस, जैसे ही आप मैनेज फास्टैग पे टैप करेंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, पेटीएम फास्टैग। आपको यहाँ पे नंबर मिल जाता है, गाड़ी का नंबर मिल जाता है, वॉलेट बैलेंस वगैरह सब मिल जाता है, ट्रांजेक्शन वगैरह सब मिल जाती है, जो भी ट्रांजेक्शन होगी। अब दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी पे दो फास्टैग हैं, दो गाड़ियाँ आपके पास एक ही नंबर से लिंक है, तो आप सिलेक्ट कर लें। मेरे पास यहाँ पे दो फास्टैग थे, तो उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल यहाँ पे गाड़ी के नंबर पे टैप कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है व्यू फास्टैग डिटेल्स और लिंक विद अदर वॉलेट। तो आपको यहाँ पे लिंक विद अदर वॉलेट पे टैप करना है। तो उसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ट्रांसफ़र फास्टैग टू अनदर पेटीएम यूज़र। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट डाला हुआ है, आफ्टर लिंकिंग ऑल टोल पेमेंट्स विल हैपन फ्रॉम न्यूली लिंक्ड पेटीएम वॉलेट। लिंक करने के बाद दोस्तों सभी पेमेंट्स फास्टैग की उसी नंबर से होंगी जिस पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको जिस भी नंबर पे पेटीएम यूजर के नंबर पे आपको ट्रांसफ़र करना है उसका नंबर आप यहाँ पे डाल दें। आप ये देख रहे हैं इंटर रिसिपेंट मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे डाल दें उसका नंबर। तो मैं फटाफट से यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रिक्वेस्ट सेंड टू फूलचंद, तो ये इस नंबर पे रिक्वेस्ट चली गई है, जो भी नंबर हमने डाला था, जिस भी नंबर पे हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब उसके नंबर पे उसके पेटीएम वॉलेट में जाकर आप कैसे एक्सेप्ट करना है और आपका फास्टैग उस नंबर पे लिंक हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों, आपको जिस नंबर पे आपने ट्रांसफ़र किया है अनदर पेटीएम यूजर को, आपको उसके मोबाइल ऐप में उस पेटीएम ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पे आना है, नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे फोर का आइकन, आपको यहाँ पे टैप करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पेटीएम फास्टैग, तो आप देखेंगे फास्टैग ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट यहाँ पे आ चुकी है। डियर कस्टमर, वी हैव रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फास्टैग, नंबर यहाँ पे आ चुका है, व्हीकल नंबर आ चुका है, प्लीज़ एक्सेप्ट द ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट चेकिंग क्लिकिंग हेयर। और आपको एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पे टैप करके इसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देना है, तो आपका फास्टैग ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके वॉलेट के ऊपर। तो गाइज, इस तरह सिंपली आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से अपने फास्टैग को अनदर यूज़र को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद सब पेमेंट उसी के मोबाइल नंबर से होंगी जिस नंबर पे आप इसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आपके काम आएगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, शेयर जरूर करना ताकि जो कोई भी दोस्त परेशान है दोस्तों, वो अपना सिंपली मोबाइल से इसे ट्रांसफ़र कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।